नमस्कार दर्शकों, मैं विकास विश्वकर्मा पॉलीमर अपडेट के मुंबई ऑफिस से। पॉलीमर अपडेट के डेली न्यूज शो में आपका स्वागत है। यह न्यूज रील मुंबई के एस अमित स्पेशलिटी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित किया गया है, जो भारत में स्पेशलिटी इंटरमीडिएट और परफॉर्मेंस केमिकल्स के एक प्रतिष्ठित प्रदाता है। यह कंपनी आपको 7 फरवरी से 12 फरवरी तक प्लास्ट इंडिया 2018 स्टॉल नंबर H3C11 हॉल नंबर 3 में आमंत्रित करती है। मुख्य समाचार में, सरकारी स्वामित्व वाली तेल एवं प्राकृतिक गैस नियम ONGC ने IOCL और गेल में अपनी हिस्सेदारी बेच के हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL में 36,915 करोड़ रुपए की अधिग्रहण करने के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त कर ली है। पॉलीप्रोपिलीन पीपी मार्केट अपडेट में, चाइना में पीपी की मांग में लगातार मजबूती बनी हुई है। उत्पाद की मांग और कीमतों में मजबूती के कारण साउथ ईस्ट एशिया और फार ईस्ट एशिया में पीपी की कीमतों में 10 से 20 डॉलर प्रति मेट्रिक टन की दर से आज उछाल की संभावना है। पॉलीएथिलीन पीई मार्केट अपडेट में, फार ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में अपस्ट्रीम एनर्जी की कीमतों में मजबूती और ओवरसीज प्रोड्यूसर्स के उच्चतम ऑफर्स के कारण पॉलीएथिलीन की मांग में मजबूती बनी हुई है। फार ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में HDPE और LDPE की कीमतों में 10 से 20 डॉलर प्रति मेट्रिक टन की दर से बढ़त की संभावना है। वहीं साउथ ईस्ट एशिया और फार ईस्ट एशिया में LLDPE की कीमतों में 5 से 10 डॉलर प्रति मेट्रिक टन की दर से बढ़त की संभावना है। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC मार्केट अपडेट में, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में विदेशी उत्पादकों की तरफ से होने वाले उच्चतम ऑफर्स के कारण पीवीसी की खरीदारी में लगातार मजबूती बनी हुई है। अपस्ट्रीम क्रूड एथिलीन और EDC व VCM की कीमतों में मजबूती के कारण कीमतों में उछाल की संभावना है। इंडोनेशिया और जापान में VCM के कुछ प्लांट्स का बंद होना PVC की कीमतों में उछाल का एक प्रमुख कारण है। चाइना में PVC की कीमतों में कोई बदलाव न होने की संभावना है, जबकि साउथ ईस्ट एशिया में PVC की कीमतों में 10 डॉलर प्रति मेट्रिक टन की दर से उछाल होने की संभावना है। भारत में साउथ कोरिया के उत्पादक ने अपने PVC सस्पेंशन ग्रेड को 990 डॉलर प्रति मेट्रिक टन की दर से फरवरी 2018 की शिपमेंट के लिए CIF नावा सेवा पोर्ट बेसिस पर ऑफर किया। डोमेस्टिक मार्केट अपडेट में, अधिकांश मार्केट प्लेयर्स का मानना है कि आज लोकल प्रोड्यूसर्स द्वारा HDPE की कीमतों में 1 रुपये प्रति किलो की दर से, जबकि LDPE और PVC की कीमतों में 1 से 1.5 रुपये प्रति किलो की दर से वृद्धि की संभावना है। अनुमानित है कि आज LLDPE और PP की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 1 फरवरी 2018 को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा भारत का GST के उपरांत पहला केंद्रीय बजट पेश किया जा रहा है। हालांकि देश 2019 के चुनावों से पहले सत्तारूढ़ सरकार द्वारा आखिरी बजट का इंतजार कर रहा है। पॉलीमर अपडेट ने कुछ उद्योग विशेषज्ञों से इस बजट से उनकी उम्मीदों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए बात की, जो इस चैनल पर हम दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। Well, reduction in taxes is most welcome, but I would like to see more of the implementation of the GST is really bureaucratic, and we need to find ways and means to reduce the paperwork and number of returns and number of papers that have to be filed, you know, time and again. So ease of using GST is more important than the taxes right now. I think the corporate taxes in India are not that high compared to what it is in USA and in Europe. Yes, it is higher than the developing countries around us. But still, I think the growth is not related to the corporate taxes, is more related to the other, you know, like GST being bureaucratic and certain one window investment which has been declared but it's still not being implemented properly. It's being implemented in some states like Gujarat, in Uttarakhand, but in other states there's still a lot of procedures required. So people who want to invest in India are looking at simplification rather than reduction in corporate taxes. Because the people who will invest are actually from developed countries like USA, Europe, where the tax, corporate tax is very high. So they like the tax structure in India.
Actually, they are not looking at any reduction in corporate taxes. For the common people, they are doing a lot right now by reducing GST or even making it 0% in a lot of commodities that is required for the poor people or the middle income class. What they need to do is put an impetus on infrastructure, because infrastructure is something which is really lagging behind. We build roads which in 5 years are not even adequate enough to cater to the traffic and the growth in the population. So looking ahead and doing something better is more important before the next elections. My personal opinion is that there's not a lot of plastic scraps being exported from India. In fact, we ourselves use a lot of scrap internally, and I think more important would be allowing India to import scraps so that, you know, it can grow the plastic industry a lot. We have a lot of innovations in reusing plastic scraps in a proper manner. Some of them have also created fuel out of plastic scraps. We are going to have a demonstration at Plast India in the recycling pavilion. And looking at that, I think whatever scrap is generated within India, we will be able to use it ourselves. As you know, now the import policy has been simplified a lot. And we think with the same policy and reducing the basic customs duty would really help in the export of plastic products from India. The reduction in the basic customs duty would be a welcome step. We will get a lot of capital equipment at cheaper price, so technology will come into India. We will make good products, good finished products that will help our exports. So I think the government should be looking at reduction in imports duties in this current budget. दर्शकों, अगर आपको हमारा ये डेली न्यूज़ वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Find us on Facebook at facebook.com/polymerupdate and be sure to click the like button. You may also find us on Twitter @polymerupdate. For the latest news from the plastics and petrochemicals industry, subscribe to our YouTube channel and do not forget to hit the bell icon.